नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन को जिस तरीके से क्वेश्चन समझाया जा रहा हूँ, अगेन सिलेंड्रिकल कंटेनर है। इस सिलेंड्रिकल कंटेनर में ये इस बार क्लोज्ड है, क्लोज्ड, ठीक है, और यहाँ पर एक टैप लगा हुआ है। यहाँ से पानी बाहर निकलना शुरू होगा, ठीक है। अब ध्यान से देखना, पानी बाहर कैसे आ रहा होगा। यहाँ का एटमॉस्फेयर पी नॉट है, सॉरी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट है, और अंदर का जो प्रेशर है वो ज़्यादा होना चाहिए पी नॉट से। हम कह सकते हैं कि पी इन मस्ट बी ग्रेटर देन पी नॉट, ठीक है। तो इसीलिए पानी अंदर से बाहर की तरफ आ रहा है, राइट। अब धीरे धीरे ऐसा होगा कि जैसे जैसे पानी नीचे आता जाएगा, अंदर का जो प्रेशर है वो प्रेशर कम होता जाएगा, राइट। जो प्रेशर यहाँ पर, यदि मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो प्रेशर होगा पी इन, दिस पी इन मस्ट बी ग्रेटर देन पी नॉट, तभी पानी बाहर आता जा रहा है। अब जैसे वाटर का लेवल नीचे आता जाएगा, बेसिकली यदि अपन पी इन की बात करें, तो पी इन जो प्रेशर बन रहा होगा वो बेसिकली इतने हाइट ऑफ वाटर की वजह से बन रहा होगा। इतना भारीपन है इस लेवल पर, इसलिए प्रेशर पी इन बन रहा है, राइट। तो यदि मैं बात करूँ कि यदि पी इन पी ओ के इक्वल हो जाए, इफ पी इन कीप्स ऑन डिक्रीजिंग एंड इट विल डिक्रीज डेफिनेटली बिकॉज वाटर इज कमिंग आउट, तो हम बोल सकते हैं कि एट सम टाइम पी इन डैश विल बी इक्वल्स टू पी नॉट। तो इस इंस्टेंट पर पानी बाहर आना बंद हो जाएगा, राइट। ऐसा यूजुअली जो चिल्ड वाटर के कंटेनर्स आते हैं उसमें होता है। तुमने कभी ध्यान दिया होगा चिल्ड वाटर का कंटेनर ऊपर से बहुत टाइट है और हम इधर से पानी टैप खोल के पानी निकाल रहे हैं, ठीक है। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि पानी होगा तब भी पानी आना बंद हो जाएगा। उसका रीज़न यही होता है कि प्रेशर डिफरेंस नहीं रहता, प्रेशर डिफरेंस की वजह से ही पानी फ्लो होता है, राइट। अब बाहर भी प्रेशर पी नॉट, अंदर भी प्रेशर पी नॉट, तो पानी बाहर आएगा ही नहीं, पानी फ्लो होगा ही नहीं, बिकॉज देर इज नो प्रेशर डिफरेंस, ठीक है। तो हमको बेसिकली यही पता करना है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द हाइट, किसी साइट के बाद पानी बाहर आना बंद हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में एक बार फिर से वो कर देता हूँ, क्वेश्चन इज एक कंटेनर है, दिस कंटेनर इज कंप्लीटली फिल्ड विद द वाटर, ये एच हाइट तक भरा हुआ था कंप्लीटली, एंड इट इज क्लोज्ड फ्रॉम द टॉप। यहाँ पर स्मॉल एच हाइट पर एक होल बना के रखा हुआ है जिससे पानी बाहर आ रहा था। स्लोली स्लोली क्या हो रहा होगा कि इसका हाइट जो है वो कम होता जा रहा होगा, ठीक है। अब इसका हाइट लेट से इतना बच गया, पहले टोटल हाइट ही एच माइनस एच रहा होगा और अब लेट से हाइट एच डैश बच गया, तो हमें इस एच डैश की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, फाइंड द वैल्यू ऑफ एच डैश सच दैट वाटर डज नॉट कम आउट ऑफ द कंटेनर, ठीक है। ये क्वेश्चन है, बेसिकली पानी जो होगा वो एच डैश प्लस एच तक इतना भरा हुआ होगा, लेकिन पानी ऑलरेडी पूरी टैंक खाली होने से पहले आना बंद हो जाएगा, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ का जो प्रेशर होना चाहिए वो किसके इक्वल होना चाहिए, पी नॉट के इक्वल, और इस पॉइंट का प्रेशर भी किसके इक्वल होना चाहिए, पी इन पी नॉट के इक्वल, तभी पानी बंद हो जाएगा। तो पी इन इज इक्वल टू पी नॉट कर दिया, ठीक है। अब पानी बेसिकली इतना बचा हुआ है, तो इस बचे हुए पानी का फोर्स पर यूनिट एरिया यदि अपन लिख दें, सो दैट विल बी प्रेशर, ठीक है। तो इसका एरिया अपन मान लेते हैं लेट से ए है, तो यदि मैं इसका प्रेशर लिखूँ तो इट विल बी रो जी एच डैश ए, दिस इज द फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया, दिस विल बी द प्रेशर। तो यहाँ से अपना एच डैश आ गया सीधा सीधा, पी नॉट डिवाइडेड बाई रो जी। इतनी हाइट के बाद, मतलब इतनी हाइट बचेगी और पानी आना बंद हो जाएगा, क्लियर।